जब इंडिया में सभी कार मैन्युफैक्चरर्स अपनी मास सेगमेंट्स कार्स के साथ में एएमटी मॉडल्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डैटसन ने डिसाइड किया कि एंट्री लेवल मॉडल्स के साथ में भी वो एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी ऑफर करें, सीवीटी ऑफर करें। अपनी डैटसन गो और गो प्लस के साथ में वो लेकर आए हैं सीवीटी, जो कि उनके क्लेम के हिसाब से इस प्राइस सेगमेंट की जितनी भी एएमटीज है उनसे ये बेहतर परफॉर्म करती है और बेहतर सिटी कार के तौर पर साबित हो सकती है। बट इज इट? लेट्स फाइंड आउट। Now let's first start with the design. तो अगर आपने 2018 Datsun Go और Go Plus का facelift देखा है तो डिज़ाइन में कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर अगर आप ओरिजिनल Datsun से कंपेयर करें, मतलब जो कि 2013 के आसपास आई थी, तो उससे अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो बहुत कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा एग्रेसिव इसका स्टैंस लगता है, ज़्यादा स्पोर्टी ये लगती है, स्पेशली जो बंपर है उसकी वजह से। और यहाँ पे आपको LED डे टाइम रनिंग लाइट भी दी गई है। हेडलैम्प जो यूनिट है वो सेम है, हालांकि इसमें इंटरनल थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, हल्के फुल्के इंसर्ट यहाँ पे ऐड किए गए हैं, ग्रिल में हल्के फुल्के चेंजेस किए गए हैं, जो कि इसे ज़्यादा बेहतर और स्पोर्टी बनाता है ओरिजिनल मॉडल से। और जैसा कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि 2018 फेसलिफ्ट से ये बिल्कुल सेम लगती है। इनफैक्ट अगर आप गो और गो प्लस को भी सामने से देखेंगे तो दोनों में आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, दोनों बिल्कुल सेम लगती हैं। जो मेन फ़र्क आपको नज़र आएगा वो होगा साइड से देखने में, और वो भी सी पिलर के बाद में, क्योंकि जो गो प्लस है वो एक एंट्री लेवल एमपीवी, आप उसे सब कॉम्पैक्ट एमपीवी बोल सकते हैं, ट्राइबर का कंपटीशन है, तो उसके डिज़ाइन में सिर्फ यहाँ से बदलाव आता है क्योंकि वो ज़्यादा एक्सटेंडेड लगती है, ज़्यादा एमपीवी शेप उसमें है और स्क्वायरिश आपको ज़्यादा लगेगी, जिससे कि वो ज़्यादा स्पेस अकोमोडेट कर पाए अगर आप 7 सीटर के तौर पर उसे कंसिडर कर रहे हैं। बाकी दोनों में कोई भी बदलाव नहीं है, सेम आपको टायर्स मिलते हैं, दोनों में आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, 14 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, 165/70R14 सेक्शन के आपको टायर्स मिलते हैं। अलॉय व्हील्स जो है वो काफ़ी सुंदर लगते हैं एक्चुअली से देखने में। कुछ एक और स्पोर्टी एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, रूफ रेल आपको देखने को मिलती है, बट आई डोंट थिंक ये यूजेबल है, सिर्फ स्टाइलिंग के हिसाब से आपको यहाँ पे ऑफर की गई है। उसके अलावा यहाँ पे ये ब्लैक का प्रोटेक्शन आप बोल सकते हैं, बॉडी प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। और अगर आप रेयर से देखेंगे गाड़ी को तो रेयर से भी 2018 वाला फेसलिफ्ट है, वैसे की वैसी ही है, सिर्फ एक फर्क है सीवीटी का जो बैज है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलती है वो है इसका स्पॉइलर, जो कि इसे ज्यादा स्पोर्टी लुक देने में मदद करता है। जहां एक्सटीरियर में कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं, इंटीरियर का भी कुछ ऐसा ही हाल है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स द न्यू सीवीटी गियर लीवर। बाकी 2018 फेसलिफ्ट में जो चेंजेस गो और गो प्लस में दिए गए थे, लाइक द न्यू 7-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट, 2 individual सीट्स एट द फ्रंट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, रिवाइज्ड डैशबोर्ड डिजाइन और बेटर ओवरऑल मटेरियल क्वालिटी, वो सब आपको यहाँ पर भी नजर आएंगे। ऑल्सो यू गेट डुअल एयरबैग्स, ABS प्लस EBD एज स्टैंडर्ड सभी वेरियंट्स में। हाँ, अब आपको स्पीड सेंसिंग ऑटोडोर लॉक भी एडिशनली मिलता है। फ्रंट सीट्स कंफर्ट के मामले में डिसेंट है अगर आपकी एवरेज बिल्ड और हाइट है, ज्यादा चौड़े या लंबे लोगों को सीट्स थोड़ी छोटी लग सकती है, और थाई सपोर्ट भी बेहतर हो सकता है, बाकी हेडरूम मोर देन इनफ है। और मैं हूँ डैटसन गो के रियर सीट्स में, तो रियर सीट में आपको कैसा कंफर्ट मिलता है, अगेन डिसेंट है, एवरेज है, थाई सपोर्ट आपको यहाँ पर भी कम मिलेगा, पर फ्रंट वाली सीट से मुझे ये थोड़ी कंपैरेटिवली बेटर लग रही है। हालांकि इसे थोड़ा और अगर उठाया जाता तो और ज़्यादा बेहतर थाई सपोर्ट यहाँ पे दिया जा सकता था, सेम कॉन्फिगरेशन के साथ में भी, सेम सीट के साथ में भी। हालांकि जो हेडरेस्ट है वो होना या नहीं होना बराबर ही है, फिक्स टाइप के दिए गए हैं, और आई डोंट थिंक आप एक प्रॉपर पोजीशन में आने के लिए इन्हें कभी यूज़ कर पाएंगे। अगर लॉन्ग ड्राइव्स में अगर आप जा रहे हैं और इसे यूज़ करना चाहें तो थोड़ा सा ऑकवर्ड है इसे यूज़ करना। हालांकि फ्रंट पे भी आपको फिक्स टाइप ही दिए गए हैं, बट हेडरेस्ट थोड़ा ऊंचा है तो वो यूजेबल ज़्यादा है, यहाँ पे ये यूजेबल नहीं है। अगर यहाँ पे कोई भी एवरेज इंडियन हाइट का बंदा बैठ रहा है तो कोई परेशानी लेग रूम और नी रूम के हिसाब से नहीं होगी। मेरी जितनी अगर हाइट है 5'6" 5'7" के आसपास तो कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो हाँ, आपको कम मिलेगा नी रूम, बट आई थिंक आप बैठ सकते हैं। अगर आगे बैठने वाला पैसेंजर भी ठीक ठाक हाइट का हुआ तो पीछे एक लंबा पैसेंजर यहाँ पे बैठ सकता है, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप गाड़ी की विड्थ की बात करें तो 1636 mm है, और अंदर भी आपको लगेगा कि विड्थ ठीक ठाक है, 2 adults और एक बच्चा तो आसानी से बैठ सकता है, कोई परेशानी नहीं होगी। 3 adults अगर बैठ रहे हैं तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा।
तो जो रियर बैठने वाले पैसेंजर्स हैं उनके लिए आपको दरवाजों में कोई भी बॉटल होल्डर नहीं मिलता है, एक यहाँ पे सिंगल बॉटल होल्डर दिया गया है। तो अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट हो तो शायद वो आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। अगर आप हेडरूम की बात करेंगे तो डिसेंट है, बहुत ज़्यादा लंबी हाइट है, 6 फुट से ज़्यादा है तो हो सकता है कि आप ब्रश करें यहाँ पे, अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा स्लाइड होकर बैठते हैं तो कोई परेशानी आपको यहाँ पे नहीं होगी। तो ओवरऑल एक एंट्री लेवल कार के हिसाब से अगर आप इसे देखें तो ठीक ठाक आपको कम्फर्ट ये ऑफर कर देती है। Now the big question is कि Go और Go Plus के cabin में फर्क क्या है। तो दो बड़े फर्क हैं, एक तो Go Plus में आपको dual tone shade में dashboard मिलता है, black plus beige combination, और seat covers का color भी वैसा ही है। दूसरा, Go Plus में आपको third row seat भी मिलती है, पर ये third row seat actually बहुत ही कम distance के लिए, वो भी बहुत ही छोटे बच्चों को बिठाने के काम आ सकती है, बड़े लोगों के लिए ये बनी ही नहीं है। तो बेटर है आप उन्हें फोल्ड करके 347 लीटर्स का बूट स्पेस इस्तेमाल करें। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस, क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव, इनफैक्ट जो इकलौता बदलाव आप 2018 फेसलिफ्ट जो इस गाड़ी का आया था, गो और गो प्लस दोनों का, ट्विन्स का, उसमें और इसमें जो फर्क है वो है एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का। इसके साथ में अब आपको एक सीवीटी ट्रांसमिशन ऑफर किया गया है, और इंटरेस्टिंगली सीवीटी वर्जन्स के साथ में आपको पावर भी ज्यादा मिलती है। मैनुअल जहां 68 bhp ऑफर करता है, सीवीटी वर्जन्स 76 bhp की ताकत देते हैं। दैट मीन्स आपको गो और गो प्लस सीवीटी वर्जन्स के साथ में माइक्रा सीवीटी वाला इंजन और गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन ऑफर किया गया है, और इसी वजह से आपको इसका इंजन ज्यादा अलाइव और स्पोर्टी लगेगा मैनुअल मॉडल के मुकाबले। अब अच्छी बात यह है कि आपको पहली बार इस सेगमेंट में एक सीवीटी ट्रांसमिशन मिल रहा है, मतलब जब हर मैन्युफैक्चरर AMTs की तरफ भाग रहे हैं, Datsun ने डिसाइड करा सीवीटी ऑफर करने का, जो कि कन्वीनियंस जो है ऑटोमेटिक का वो एक्चुअल कन्वीनियंस आपको देता है। अब जो AMTs होते हैं वो एक्चुअल ऑटोमेटिक्स नहीं होते हैं, वो आप बोल सकते हो कि ऑटोमेटिक को मिमिक करने की कोशिश करते हैं, एक नॉर्मल मैनुअल ट्रांसमिशन ही होता है, पर उसके साथ में एक किट फिट किया जाता है, AMT किट, और सॉफ्टवेयर की मदद से ऑटोमेटिक का कन्वीनियंस देने की कोशिश की जाती है, बट उसके प्रॉब्लम्स हैं अपने, जैसे कि उतने स्मूथ शिफ्ट्स नहीं होते हैं, यू कैन क्लियरली फील कि आप कब गियर शिफ्ट कर रहे हैं वो ईजिली आपको पता पड़ जाता है, ऑलमोस्ट मैनुअल जैसा फील है। हालांकि ऑफकोर्स क्लच आपको संभालना नहीं होता है, पर उसका सीमलेस नहीं होना उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप CVT से कंपेयर करें तो CVT ज़्यादा स्मूथ होते हैं, कम प्रॉब्लमैटिक होते हैं, रिलायबिलिटी भी इनकी ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ जो मिड रेंज है वो भी अब आपको थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर लगती है CVT की वजह से ही। हालांकि अगर आप ज़्यादा पुश करेंगे, कोशिश करेंगे, जो कि CVTs की दिक्कत है, अगर ज़्यादा पुश करेंगे तो आपको सिर्फ इंजन की नॉइज़ या ट्रांसमिशन की जो नॉइज़ है वो सुनाई देगी, एक्चुअल स्पीड जो है या मोमेंटम है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो बेटर है आप इसे लाइट फुट से चलाएं, अगर आप लाइट फुट से चलाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप सिटी कार के तौर पर इसे देख रहे हैं, जो कि हमने ज़्यादा इसे चलाया भी है चेन्नई में, तो सिटी कार के तौर पर मैं ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट है एंट्री लेवल सेगमेंट में। इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिशन से अगर आप बात करेंगे AMT से स्पेसिफिकली अगर आप कंपेयर करें। अब जो इस पर्टिकुलर गाड़ी की दिक्कतें जो मुझे लगी हैं, अगर आप परफॉर्मेंस के लिहाज से पूछेंगे, एक तो वाइब्रेशंस जो हैं वो आपको अभी भी फील हो जाएंगे। 3 सिलेंडर है, क्लियरली फील होगा आपको, स्टेयरिंग व्हील पे हल्के फुल्के वाइब्रेशंस आपको फील होते हैं, पैडल्स पे भी आपको हल्के फुल्के फील होते हैं। पर अच्छी बात यह है कि जब 2018 फेसलिफ्ट इसका लाया गया था तो इसके NVH को थोड़ा बेटर किया गया था, तो अगर आप ओरिजिनल गो और गो प्लस से कंपेयर करेंगे तो उससे तो ये डेफिनेटली बेटर लगेगी, बट अभी भी इम्प्रूवमेंट की अच्छी खासी गुंजाइश है। दूसरी, अगर आप आउटराइट परफॉर्मेंस जिससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप ना करें, क्योंकि आउटराइट परफॉर्मेंस के लिए है नहीं ये। पॉइंट ए टू पॉइंट बी आपको सिटी कम्यूट करना हो, आपको रेगुलर हाईवेज कर रहे हो ठीक ठाक स्पीड में, तो आप वो कर सकते हैं। जहां तक राइड क्वालिटी की बात है तो वो काबिले तारीफ है, मतलब आप चाहे गो चलाएं गो प्लस चलाएं, सेम सस्पेंशन आपको मिलता है दोनों में, आपको राइड क्वालिटी काफी इंप्रेसिव मिलने वाली है। लगभग हर तरीके के एंडुलेशंस, खराब पैचेस, ब्रोकन सर्फेसेस को ईजिली इसने ध्यान रखा है, और ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी लगभग 180 mm है, तो बड़े से बड़े अगर स्पीड ब्रेकर्स भी आपको शहर में मिल रहे हैं तो उसमें कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिलती है, विच आई थिंक इज गोना वर्क इन इट्स फेवर। जहां तक ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात है तो ब्रेकिंग डिसेंट है एक एंट्री लेवल कार में, जितनी भी बाकी से कॉम्पिटिशन की अगर आप बात करेंगे लगभग वैसा सा ही है। प्रोग्रेसिव टाइप के ब्रेक्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, थोड़ा बाइट और बेटर हो सकता है, बट कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगता है कि ब्रेक अगर आप दबा रहे हैं तो
आप कहीं पे भी नर्वस फील नहीं करेंगे, विच आई थिंक इज अ ग्रेट थिंग। और आपको इस गाड़ी के साथ में ABS प्लस EBD ऑफ कोर्स मिलता ही है, साथ में व्हीकल डायनामिक कंट्रोल करके एक फीचर है जो कि निसान रेनो ग्रुप इस्तेमाल करता आया है, जो कि बेसिकली कॉर्नरिंग में और थोड़ी स्टेबिलिटी में आपकी मदद करता है। हालांकि कितना फर्क है एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा टेस्ट इसको नहीं कर पाए हैं, बहुत शॉर्ट ड्राइव हमने की है, तो इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, बट ओवरऑल आई थिंक फॉर अ सिटी कार इट डज इट्स जॉब रियली वेल। कमिंग टू द फ्यूल एफिशिएंसी AKA माइलेज, तो आपको गो और गो प्लस शहर में लगभग 13 to 14 KMPL की एफिशिएंसी ऑफर कर देगी, वहीं पे हाईवे पे लगभग 16 KMPL की फ्यूल एफिशिएंसी, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।